फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एट स्टे रख अकाउंट खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी तरीके का आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा अगर आप यही ट्रिक को फॉलो करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एड स्टे रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके सेल्फ क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट को बैन भी नहीं होगा। और ये मैंने ट्रिक जो है करीब करीब एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने इस पर वर्क इस वजह से नहीं किया क्योंकि अभी मैं इस पर अर्निंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अर्निंग बहुत कम होती है। तो उसके लिए अगर मैं जितना टाइम इसको यहाँ पे दे दूँगा तो फिर CPM वर्क से ज़्यादा अर्निंग कहीं नहीं हो पाती है। लेकिन जिनके पास एडमॉब नहीं है और जिनके पास वो नहीं है, सॉरी एडमॉब तो ऐप ही होता है, एडसन अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन नहीं है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग सेल्फ क्लिक करके अर्न भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अकाउंट बैन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे जीमेल अकाउंट से ID बना लेना। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस पर वर्क कैसे करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये 75 CTR दिखा रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रख रहना है कि CTR आपका 75 नहीं होना चाहिए, आपको CTR 2 के नीचे रखना है, और आपका इंप्रेशन जितना हाई होगा उतना CTR लो होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखे रहना है कि आपका इंप्रेशन जितना ऊपर जाएगा उतना वो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा डॉलर भी बन गया है क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले क्लिक किया था। ठीक है, यहाँ पे 99 इंप्रेशन, 20 का CTR, ठीक है, 20 क्लिक और 0.04 अर्निंग, 0.04 अर्निंग। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी अर्निंग है, ठीक है। मैंने बोला ना, जैसे आप यहाँ पे आओगे वर्क करोगे तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लॉगर पे आप लोग एक तो ब्लॉग को क्रिएट कर लेना, यहाँ पे आ जाते हैं बैक। ठीक है, बैक आने के बाद आपको इस तरीके से डोमेन देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। अभी आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, आपको अपनी जो भी URL है उसको यहाँ पे लिंक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट ऑलरेडी लिंक है। आप कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी ना किया तो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके ऐड यूनिट कर लेना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पे आ जाना, ब्लॉगर में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कोई भी न्यू पोस्ट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक वो कंपोज और आपको HTML। तो आपको HTML पे आना और ये कोड को बार बार पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, फिर स्पेस दिया, फिर नीचे पेस्ट कर दिया, तो आप ढेर सारा पेस्ट कर देना। उससे होगा क्या, तो उससे होगा ये जो आपके सामने होने जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिला, ये एक ऐड, यहाँ पे 3 ऐड, यहाँ पे ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे देखो, नीचे भी ऐड, ठीक है, इतने आपको ऐड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा ऐड आएंगे उतने ज़्यादा CTR आपका लो होगा, और जितना कम ऐड आप शो कराओगे और क्लिक ज़्यादा करोगे तो आपका CTR हाई होगा और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब यहाँ पर वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जिस ऐड पे क्लिक कर दो उस पर दोबारा क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे, जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाले ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, अब ये पहला वाला ऐड ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वेट नहीं करना, इसको यहाँ पे कट कर देना। तो अब आपको ये पहला वाला ऐड अब नहीं ओपन करना है, ये अब ओपन कब करना है, जब आप यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर लोगे तब जाके आपको ये दोबारा ओपन करना है। बिना रिफ्रेश के आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं ऐड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टैब में खोल के रखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो खुल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ पे ये, अब नीचे आता हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्लिक करके रखा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, 1, 2, ठीक है, आप यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैब जो हमारा ओपन हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं ऐसे क्लिक कर करके। अब जो एक बार आपने टैब खोल लिया ना, उसको अब यहाँ पे आप लोग ओपन कर करके यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, काट दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखते जाओ, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, याला का आप वर्क करोगे इस तरीके से तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। तो यहाँ पे आप आ जाना ना, कम से कम 2-4 बार 10 बार रिफ्रेश जरूर कर देना।
उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये ऐड आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर इसको रिफ़्रेश कर देना, मतलब जितना हो सके उतनी बार ये रिफ़्रेश कर देना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार रिफ़्रेश करने का टाइम नहीं है, कौन रिफ़्रेश करेगा, ठीक है, सोच रहे हो मेहनत कौन करे इतनी, तो ये कोई सिंपल तरीका बता दो ताकि इंप्रेशन काउंट होता रहे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्ले स्टोर, ठीक, यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाना, यहाँ पे सर्च करना प्ले स्टोर पे, मल्टीपल ब्राउज़र फॉर यूट्यूब वाला खोल लेना, ये वाला आपके पास आ जाएगा, ये बॉस टाइम वाला, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका ये जो ब्राउज़र वाली ये जो लिंक है ना, ठीक है, ये वाली जो आपकी लिंक है आपको इसको कॉपी करके उसमें आपको पेस्ट कर देना और रात भर छोड़ देना, जितना इंप्रेशन बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपका ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो आप जितना चाहो उतना इंप्रेशन यहाँ पे दिलवा सकते हो। ब्राउज़र वाला वॉच टाइम वाला ऐप डाल लेना, उससे आपका अकाउंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ गारंटी है। और एक और ख़ास बात क्या है कि आपका अगर एडसेंस अकाउंट नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा डॉलर ऐड हो गया। मैंने बोला कि यहाँ पे मैं वर्क इस वजह से नहीं करता हूँ, रीज़न मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी देर वर्क करूँगा उतने में मेरा जो है $250 बन जाएगा उस पर, तो इस वजह से मुझे इस पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख लो यहाँ पे कम डॉलर है, लेकिन आप अगर एक घंटा भी वर्क करोगे तो आपका $2-3-5 बन जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन एक घंटा देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, डेली वर्क नहीं करना है, एक हफ्ते में एक बार वर्क करना है, कम से कम $10 बना लेना है डेली का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंप्रेशन है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, अभी हम लोग को देखो जितना ज़्यादा इंप्रेशन आएगा उतना ज़्यादा आपका CTR लो होगा, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने CTR को लो करिएगा। और एक बार जिस ऐड पे क्लिक कर लिए उस ऐड पे दोबारा क्लिक नहीं करना, ये चीज़ भूलिएगा मत। एक बार जिस पे क्लिक कर लीजिएगा उस पे दोबारा ओपन मत करिएगा, क्योंकि उससे अकाउंट में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बार हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि इस पर मैंने भी क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, मेरा CTR लो हो गया, ऑपरेशन 336, क्लिक देखिए आप 45 के CPM कितना बना, डॉलर कितना बना। अब आप यहाँ पे कि ये देख लो, ठीक है, मैंने लाइव एकदम दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, और आपके अकाउंट पे एकदम ज़ीरो भर रत्ती भर फर्क नहीं आएगा। तो आप अगर अर्निंग करने सोच रहे हो बस ये तरीका इस्तेमाल करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।